कल जो मैंने आपको बताया था उसमें ये था कि MTK का जो CPU चल रहा था उसमें हम किस टूल जो उसका जो टूल था उसको किस तरीके से हम लोग यूज करते थे। ठीक, आज हमें आपको ये बताया था कम से कम इंस्टॉल कैसे करोगे, यूज करना तो हमने बता दिया, लेकिन अब जब इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे तो फिर करोगे क्या इंस्टॉल? क्या कह रहे, लिख नहीं पा रहे क्या? किसको छोड़ा? अब इससे छोड़ा क्या चाहिए यार, और भी ज्यादा लेट की पढ़ो क्या? लैपटॉप लगा रखते हैं। अरे यार, तो सीधा कर लो, और इधर किसे जाओ यार, हमें क्या ना जाओ पास में आ जाओ उधर, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए हम चारपाई मंगा देंगे, लेट के पढ़ो ठीक है क्या यार? हाउ टू इंस्टॉल UMT डोंगल, ठीक है। देखिए तो हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हम पहले से इंस्टॉल करेंगे। 2500 रुपए का आता है ये डोंगल, ठीक है, 100-200 रुपए ऊपर नीचे कहीं हो सकते हैं आपकी मार्केट में, ठीक है, लिख लो इसके रेट, ना कोई आपसे कुछ ज्यादा ले ले आपसे, 2500 का है। अगर UMT प्रो खरीदोगे 1000 रुपए वो महंगा आता है, यानी कि 3500 रुपए, इससे उसमें अवेंजर का सपोर्ट रहता है बस, पहले का अवेंजर बॉक्स आता था, अब वो दोनों इसी में कर दिए गए। पैंतीस सौ का, ठीक है, हाँ, किसी के यहाँ 2600 हो सकता है, किसी के यहाँ 2700 रुपए हो सकता, इससे ज्यादा अगर है तो नहीं लेने का है, फिर आप हमें कॉल करेंगे, हम यहाँ से भेज देंगे। बाद बाकी दिखाओ भाई डोंगल, दिखा दो नया वाला, पुराना वाला कहाँ है? नया ये है, पुराना वाला बताओ निकालो भाई, जिसके पास है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं वो तो देख ले। ये डोंगल पुराना है, इसमें एक सिम लगी है, ये सिम ही इसका अपडेट है, ठीक है, और नया वाला ये है, इस तरीके से होगा, ब्लैक वाला, ठीक है, प्रो नहीं है, UMT है, प्रो नहीं है यार, ठीक है। तो सर कौन सा बढ़िया, ये बढ़िया क्वालिटी में प्रो रहेगा या UMT रहेगा? भाई UMT रहता है, अगर आपको प्रो लेना है तो प्रो ले लो, ठीक है। UMT प्रो में सारे जितने टूल भी हम लिखवाएंगे सारे टूल मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। प्रो में अवेंजर के साथ स्टेप मिल जाते हैं, उसमें भी फॉर्मेटिंग अनलॉकिंग है। हेलो सर, अब नहीं चलता तो क्या करें? इसमें ये जो ऊपर का जो देख रहे हो ना, ये तो यार 200 रुपए का है खाली, क्या कार्ड रीडर है ये तो एक तरीके से, ठीक है। जो सिम लगी है ये इसके अंदर, वही इसका अपडेट है सिम, और कुछ लोग क्या करते हैं सिम को बाहर निकालते रहते हैं, इसको निकालना निकालना नहीं है, खींच दो बाहर, 22 में भी लगी है, बाहर निकाल दो, हाँ सिम नहीं निकालना, जैसी फंसी है वैसी रहने देना है। सर सिम साथ में आता है इसके? हाँ सिम इसी के साथ में आता है, इसी में इसका अपडेट है। ये डोंगल जब लगेगा कंप्यूटर पे तभी जो टूल है वो ओपन होते हैं, ठीक है। लो तो सर ये एक्सपायर होने के बाद रिचार्ज कहाँ से? वहीं से होगा जहाँ से लिए, वहीं से, जहाँ से तुमने लिया वहां से करवा लो, नहीं अगर ना हो तो करना हमसे करवा लेना, क्या दिक्कत, हमें UMT का सीरियल नंबर चाहिए बस खाली। हाँ और क्या, हेलो तुमने ही सब कुछ अपडेट है, मैंने पानी दे। हेलो सर, ओके, हेलो, हाँ बोलिए सर। इसकी रिचार्ज नहीं बढ़ती एक साल बाद? अभी एक साल बाद 1700 का रिचार्ज है, ठीक। एक साल का रिचार्ज मिलता साथ में, ठीक है ना, कहो कोई डोंगल 2500 का है, चिपका दे कोई है उल्लू बना रहे कि भैया अब रिचार्ज कराना पड़ेगा अलग से, होते हैं ना मार्केट में, बताओ बहुत से लोग ऐसा होता है भाई मेरे, उन्होंने यूट्यूब पे देखा डोंगल डोंगल, हाँ डोंगल रिचार्ज होता है डोंगल, भाई लाओ कोई दिक्कत नहीं, कितना ही तो डोंगल तो ले लिया, बड़े उससे जानकारी है नहीं पूरी, डोंगल तो ले लिया उसने 1700 रुपये और चिपका दिया उसमें, अब रिचार्ज करवाना पड़ेगा तुमको। स्टॉक में UMT है क्या? स्टॉक में है ये UMT? हाँ तुमको चाहिए जिसको चाहिए जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी जी सर, एक कोरियर करा दीजिए फिर। हाँ तो कोरियर हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एड्रेस भेज दीजिए, आपको कोरियर हो जाएगा, दो दिन में पहुंच जाएगी आपकी UMT। जी जी सर, अभी कर दे रहे पेमेंट, ठीक, ओके। मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ।
पेमेंट है ना? हाँ ठीक है, आपके नंबर पे पेमेंट कर दूंगा, आपको ये कर देना ना। कोई रहेगा तो चार्ज थोड़ी लगेगा सर। अरे वही मैडम से बात कर लो नंबर पे। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लिखो इंस्टॉलेशन, तो प्राइस तो पता चल गए। ठीक, आप चलते हैं इंस्टॉलेशन में। क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले हमें जो डाउनलोड करना है गूगल से, वो है स्मार्ट कार्ड रीडर ड्राइवर। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर या स्मार्ट कार्ड ड्राइवर, क्योंकि इस डोंगल के भी ड्राइवर होते हैं। सारे सेटअप तुमने डाउनलोड कर लिए लेकिन आपका यूएमटी कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर करोगे क्या? स्मार्ट कार्ड, हाँ स्मार्ट कार्ड रीडर ड्राइवर, ये डाउनलोड करना है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड हो गया। इसके बाद अब हमें सेटअप डाउनलोड करने हैं यूएमटी के। ठीक है, कौन कौन से सेटअप जो हमें फ्री में, इसके साथ में फ्री नहीं मिलते, मतलब कि मिलते हैं इसके साथ में। तो लिखिए पहला अल्टीमेट एमटीके टूल, अल्टीमेट एमटीके टूल पहला टूल ये। ठीक है, एक इसके ऊपर और एक लिख लो अगर ये देखो सभी में। इसका सर्वर शायद कुछ प्रॉब्लम करता है। यूएमटी सपोर्ट एक्सेस पहला टूल यही है, पहला ये है। दूसरा पहले ही लिख लो यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस इसके ऊपर लिख लीजिए, जगह हो तो बना लीजिए कहीं। सपोर्ट एक्सेस, एक्सेस सपोर्ट एक्सेस, हाँ एक्सेस। फिर दूसरा नंबर पे अल्टीमेट एमटीके टूल। ठीक है, नेक्स्ट अल्टीमेट क्यूसी फायर, क्यूसी फायर, अल्टीमेट क्यूसी फायर। ठीक है, अल्टीमेट जीएसएम टूल, अल्टीमेट जीएसएम, अल्टीमेट जीएसएम हो गया। ठीक, अल्टीमेट जीएसएम, यूएमटी, अल्टीमेट एफआरपी टूल, हाँ अल्टीमेट एफआरपी टूल, एफआरपी। अल्टीमेट सैमसंग, सैमसंग, हाँ सैमसंग के लिए है। अल्टीमेट लिख लो हुवाई, हुवाई टूल, अल्टीमेट हुवाई टूल। अल्टीमेट हुआई, हुआई टूल। क्या हुआ? ओके ओके ओके, बात। और भी आते सीडीएम में, अपने आप चलते नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। सीडीएम किसी यहाँ चलता है? टाटा एंड काम, यूनिनार? नहीं नहीं सर, नहीं चलता, नहीं नहीं चलता, नहीं चलता। एक कौन सा था नेटवर्क जिसमें जब कॉल आती तब पैसे मिलते थे, पता है किसी को? टाटा एंड काम, टाटा एंड काम, टाटा एंड काम में नहीं मिलते थे वो, था वर्जन करके था कुछ, वर्जन करके था। टाटा टू टाटा फ्री है, टाटा एंड काम में। मेरा नंबर ये टाटा एंड काम वाला है, 922-236 वाला, टाटा एंड काम का ही नंबर है, पर टाटा डोकोमो हो गया। कॉल आने पैसे आते थे, वर्जन करके आता था कोई।
है? आप बंद हो गए। सीडीएमए था ना वो पहले, सीडीएमए में प्रॉब्लम क्या आती थी सीडीएमए फोन में पता है आप लोगों को? जीएसएम क्यों सक्सेस हुआ? सीडीएमए क्या होता है, अगर आप नेटवर्क क्षेत्र के अगर बाहर भी हो थोड़ा, अगर एक पॉइंट भी कम है नेटवर्क चले गए तो वो फोन को आप रख दोगे तो उसमें क्या सर्चिंग होती रहती थी, सर्चिंग, और जब तक वो पूरी बैटरी तुम्हारी खा नहीं जाता था तब तक सर्चिंग बंद नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम थी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप करके रख दो ऑन अगर है तो तुम्हारा, या अगर ऐसी जगह हो कि जहां पे चार तीन नेटवर्क आ रहे दो नेटवर्क गायब है, मतलब कि जो पॉइंट उसके दिखते हैं तो उतने नहीं बैटरी हमारा कंज्यूम करने लगता था, ये सिस्टम था उसका। सीडीएमए इसीलिए बंद कर दिया गया, कई सारी दिक्कतें थी सीडीएमए, लेकिन सीडीएमए बहुत सस्ता था जीएसएम से। चलो ठीक है, ये सारे टूल हो गए, एक टूल और लिख लो, अल्टीमेट ईएमएमसी टूल, ईएमएमसी टूल, हाँ ईएमएमसी टूल, इसके आगे लिख दो 1200 रुपए इसके आउट लगते हैं एक्टिवेशन के, ये तभी ये टूल चालू होता है 1200 रुपए एक्टिवेशन। इसी टूल से तुम्हारे जो ये तुम्हारे रियलमी ठीक है, ओप्पो वीवो समसंग जो आ रहे हैं आज की डेट में फोन जो जिसे आप कहते हो ऑनलाइन हो गए, तो मंगल ग्रह वाले करने आएंगे ऑनलाइन से, वही फोन आप भी करोगे इसी टूल से ठीक है। कौन सा टूल दोबारा रिपीट करें, सुन मेरे कॉल आ गया था, अल्टीमेट ईएमसी टूल के बाद में ये, हाँ अल्टीमेट ईएमटी ठीक है, अल्टीमेट ईएमएमसी टूल, ये 1200 रुपए में और एक्टिवेशन होता है, ऐसे आप डाउनलोड करके खोलोगे अभी नहीं खुलेगा, अलग से ऑनलाइन वाले होते हैं ठीक है। और हार्डवेयर सुनो पहले, अब इसमें टूल लिखो, पर इसका हार्डवेयर भी लेना पड़ेगा आपको, पर यूएमटी ईएमएमसी का हार्डवेयर भी परचेज करना है, वो समथिंग आपको अच्छा वाला 1500 के आसपास मिलेगा सर, यू जंपर लगा के ईएमएमसी हार्डवेयर टूल, हाँ जंपर आईएसपी पेन आउट, यानी कि U5 बॉक्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब 18-20 हजार रुपए खर्च करो, जो लोग डेड बूट रिपेयर करते हैं उनके लिए ये जो है U5 जरूरी है, बात बाकी आप लोगों के लिए U5 जरूरी नहीं है, तुम्हारा काम तो सब इसी हो जाएगा यूमटी वाले टूल से, हार्डवेयर टूल ठीक है, और इसीलिए आपको माइक्रो जंपरिंग सिखाई गई है यहाँ पे ऑफलाइन वाले ठीक है, बताएगी नहीं तो आईसी की निकाल के उसके जो बॉल होते हैं जंपर एक बताइए नहीं कि गई है, है? हाँ तुम लोग को ऐसी रिवॉल्विंग भी कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वालों एक काम करिए तुम लोग माइक्रो जंपरिंग स्टार्ट कर दीजिए, माइक्रो जंपरिंग का मतलब कि सुनिए पहले इधर ध्यान से, कि पहले कोई एक खराब मदरबोर्ड लो उसकी एक आईसी निकाल के बाहर फेंक दो, आईसी के नीचे जो बॉल है उन पे आप जंपर लगाने से प्रैक्टिस करिए ठीक है, जब उस पे जंपर लगने लगे आईसी के जो बॉल है फिर क्या करिए मदरबोर्ड को देख लीजिए सर्जिकल ब्लेड, तो उसको स्क्रैच कर दीजिए, उसकी पतली पतली जो लाइनें होती हैं उन पे लगाइए माइक्रो जंपरिंग, और माइक्रो वाली आयरन लीजिए, मोटी वाली नहीं, माइक्रो आयरन आती है 120 रुपए की या 100 रुपए की, उससे जंपर लगाइए तभी आप फोन कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई 5-6 हजार रुपए आप दूसरे को बांटते रहोगे तो तुम क्या कमाओगे, समझ रहे हो पहले बात को, तुम खुद अपने करो और मार्केट से समेट लो, लाओ क्या दिक्कत। सर कौन से ट्रैक इसके रिमूव करने हैं सर्जिकल ब्लेड से, कौन से कर रहे हैं? वो जिनके आईएसपी पेन आउट होते हैं, अभी बताया जाएगा ऑनलाइन, जिस दिन पढ़ाएंगे कि ऑनलाइन वाले फोन तो कितनी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 8-10 तरीके से हम आपको बता देंगे कि ऑनलाइन वाले फोन आप अपने खुद कर सकते हैं, दूसरों को भी कर सकते हो ठीक है। लास्ट टॉपिक है वो पतला, हाँ पतला पतला, बस उसी पतले पतले जंपर लगाना है, हाँ आईएसपी पेन आउट से आईसी निकाल करके, अब यहाँ पर कितने लोगों की आईसी रिवॉल्विंग कंप्लीट है, तुम्हारी तुम्हारी भी है, रवि है कि नहीं है, चेक करेंगे आज हमारा तुम्हारा,
हाँ तुम तो तुमने तो ये बोल किया था तुम्हारा, ये आने के बाद हम उखाड़ देंगे, ध्यान कर लेना। तो लगाना नहीं है, दीवाल कर ले तो ना अच्छे से बॉल बन जाते हैं हमारा है? दो दिन अभी हुए, तुम्हारा क्या है? आता है ठीक है, कम अच्छे बनते हैं, अच्छे बनाओ ठीक है, सब्जी थोड़ो ना कम अच्छी बनेगी, चलो खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्या मोबाइल डेड हो जाएगा तुम चक्कर में। हाँ 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 वो थोड़ा अलग टाइप का तो दिखा देते हैं। यूएमटी हार्डवेयर टूल वो दिखा देते हैं। ये आता है देख लो फोटो टोटा के, कितना मिलेगा ये? 1500 रुपए, 1100 से स्टार्ट होती है, 1500 तक का मिलेगा। इस पे आई एस पी पिन आउट आप अगर आप जंपर लगा सकते हो ठीक है, लिख लीजिए आई एस पी पिन आउट के नाम, कौन कौन से आई एस पी पिन आउट होते हैं नाम, आई एस पी पिन आउट के नाम, क्योंकि ये फोन डाटा केबल से कनेक्ट नहीं होते हैं, होते हैं तो क्रेडिट से करते हैं तो पैसे लगते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग आई एस पी पे जंपर लगा लेते हैं। आई एस पी का आई एस पी पिन आउट के नाम कौन कौन से पॉइंट होते हैं, उनके नाम क्या है, तो पहले लिखिए सीएमडी, सीएमडी पॉइंट, सीएलके यानी क्लॉक, हाँ सीएलके, डेटा जीरो, डेटा जीरो, हाँ वीसीसी, वीसीसी, हाँ वीसीसी क्यू, हाँ दूसरा पॉइंट है वीसीसी क्यू, वी सामने लिखा है वीसीसी क्यू, सीसी क्यू और ग्राउंड और क्या है जीएनडी, ये 6 पॉइंट हैं ठीक है। 6 में क्या है कि ऊपर वाले 3 मेन जंपर होते हैं, जंपर तीनों नीचे वाले रिमेन होते हैं, लेकिन ये डाटा केबल से पहुंच जाते हैं, तो 3 जंपर आपको मेन है, उसके आगे लिख लीजिए मेन जंपर सीएमडी सीएलके डेटा जीरो, ये 3 जंपर लगाएंगे और 3 ये जो है जीएनडी वीसीसी वीसीसी क्यू ये आपके डाटा केबल से मिल जाती है, लिख दो आगे स्क्रीन, डाटा केबल लगाएंगे और उसके आगे 3 जंपर लगाने होते हैं ये मदरबोर्ड में। मेन जंपर पे क्या बताया सर? 3 आगे वाले जो सबसे पहले लिखवाए 3, ये जैसे देखो ये देखो ये पॉइंट है, ये देखो इतना महीन पॉइंट है, यहाँ पे जंपर लगेगा सीएमडी सीएलके और ये डाटा जीरो इधर, बस बाद बाकी डाटा केबल से मिल जाएंगे। ये देखो आईएसपी पिन आउट है सीएमडी सीएलके वीसीसी वीसीसी क्यू डेटा जीरो और ग्राउंड, कहने का मतलब ये ऑनलाइन करने के तरीके, ये यही टूल से आप अपना काम कर सकते हो, यूएफआई लेने कोई आवश्यकता नहीं है, अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो फिर आप यूएफआई ले सकते हो ठीक है। अब क्या है ये टूल देखो डाउनलोड कर लो आप लोग, जैसे मेरे पास हमने एमटीके कर लिया है, यूएमटी सपोर्ट एक्सेस है ये, चलिए डाउनलोड करिए, कोई अपनी स्क्रीन शेयर करे जिसके पास यूएमटी डोंगल है, करे अपनी स्क्रीन शेयर, करो शेयर उधर से स्क्रीन, वो आप लोग कनेक्टेड नहीं हो,
चलो गूगल क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम ओपन करिए। देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम खोलिए और यहाँ पे सबसे पहला टूल लिखिए यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। सब लोग देखो ध्यान से कैसे कैसे डाउनलोड करना है। सपोर्ट एक्सेस अरे वो क्या ना पहला क्या था, ड्राइवर था ना, हाँ स्मार्ट का ड्राइवर, वो करिए पहले यार, बता भी नहीं सकते तुम लोग यार। यूएमटी स्मार्ट कार ड्राइवर, यूएमटी तो लिखो कभी कम से कम। हाँ जो मना करो फटाफट। सत्यन कुछ कहा नाम सत्यन है, तुमने भेजा वीडियो हमको, ये ना किसकी आई डी है। नहीं हाँ अरे ऊपर ऊपर था कहाँ गया, रुको 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 ये हाँ डोंगल ड्राइवर, ड्राइवर ऊपर वाला, ये सेटअप नहीं चाहिए डोंगल का ड्राइवर से, ये यहाँ पर क्या लिखा है डाउनलोड लिंक के नीचे ये, अरे क्लिक तो करो यार, कटी नहीं दिया गया है, हट गया कटी, ये ब्लॉक कर दिया है, सही कह रहा, कटी दिया गया। अरे दो तीन सेटअप खोला करो, कितनी बार बताया दो तीन लिंक ओपन किया करो जब भी डाउन। तुमसे ना हो पाएगा ठीक है, इतने दिन में लंबे लगे रहोगे, इतनी अगर इतने स्लो करोगे कि तब तो हो गया, कहाँ स्लो चल रहा है, लैपटॉप स्लो चल रहा है, चला ही पा रहे हो स्लो। क्लिक करो डाउनलोड पे, नीचे ऑर्डर डाउनलोड कैंसिल करो एड को, ये होने लगा डाउनलोड। सो इन फोल्डर मैडम बात कर लीजिए, बोलो तो दो मिनट दो सेकंड रुको तो। लाओ इधर लाए कि उमटी डोंगल लाओ भाई, कुछ कर रहे हैं उसमें क्या, तुम लोगों को तो घंटों लगेगा, तीन तीन बार डाउनलोड करोगे तो टाइम तो लगेगा। अरे तो एक कर लो कोई भी आ रहा इंस्टॉल, तो कर रहे हो क्या आपने, एक ही में लगाए हो ना, लो तुम लोग करो। होलो ड्राइवर स्मार्ट कार ड्राइवर,
नीचे वाला सेटअप दिया गया है, ये 64 बिट का डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दो। हाँ, और जहां से डाउनलोड किया था वो लिंक डाल दो ग्रुप में। ये नहीं लिंक है यार, विज्ञापन का लिंक दे रहे हो यार, ये ऊपर का लिंक दो। हाँ, ये वाला। हाँ, कैंसिल करो, व्हाट्सएप पे आओ, ये देखो ड्राइवर हो गया इंस्टॉल, ग्रुप में डाल दो लिंक। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो अपना वो लिंक अपना सेव करके लगे। चलिए अब दूसरा टूल डाउनलोड करिए, इसीलिए हम खुद नहीं कर रहे, आप लोगों से करवा रहे हैं कि आप लोग सीखें। ड्राइवर हो गए इंस्टॉल, अब पहला टूल डाउन करिए यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। और देखो ये कभी कभी किसी किसी सिस्टम में नहीं खुल रहा है, सर्वर की प्रॉब्लम है। ठीक, डाउनलोड करो पहले, देखते हैं यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। एस नहीं है, आ गया ऊपर सब यूएमटी सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड। दो तीन लिंक ओपन किया करो, कदे कितनी बार बताएं, पहले वाले जो होते हैं वो काट दिया करो, कुछ नहीं होता है। नीचे आओ, नीचे आओ, ये दिया है लिंक, ऊपर गया, ये मेरा टू से कर लो, जी ड्राइव, गूगल ड्राइव। हेलो सर। जी बताइए सर, मेरे पास 32 बिट विंडो है। 32 बिट, तो 32 बिट के हिसाब से करोगे आप? नहीं, इसके ऊपर वाला है 32 वाला, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सब में काम, ड्राइवर आपको करने 32-64 वाले पास, बाकी ये टूल नहीं, सभी में कर चलते हैं, 32 में भी चलते हैं, 64 में भी चलते हैं। क्या कह रहे हैं? 64 बिट वाला इंस्टॉल कर लूं ड्राइवर, करो 32 वाला और क्या है, ये हो गया नीचे डाउनलोड, 0 पे क्लिक करो, सो इन फोल्डर स्टैक करो, इंस्टॉल करो। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। ये मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए जो कंप्यूटर में विंडोज 7 तो अच्छा होता है, लेकिन 64 बिट वाला अच्छा होता है या 32 बिट वाला अच्छा होता है? दोनों अच्छे होते हैं, अपना अपना चलाने का तरीका, अपने अपने चलाने का तरीका। कोई कहता हमें ड्राइवर नहीं मिलते हैं, कोई कुछ नहीं मिलता है, जब जो काम करते हैं तो सब मिलने लगता है। हाँ सर, नहीं मैंने बोला जनरली कौन सा सही होगा भैया। 64 ज्यादा बेहतरीन है, अपडेट है, लेटेस्ट है, 16 और 32 में 32-64 में अंतर ही नहीं, डबल है। अच्छा अच्छा, डोंगल लगाओ ना उसमें, डोंगल लगाओ। अल्टीमेट लेना है सर? अल्टीमेट क्या? वो जो विंडोज 7 का भाषण है ना, अल्टीमेट है और क्या क्या है, अल्टीमेट की सही होगा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए? हाँ सही है, ठीक है सर।
चलो देखो मिसिंग इसमें दिखा रहा है, सपोर्ट एक्सेस नहीं ओपन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, वुफर डाउन टूल डाउनलोड करो गूगल से। देखो यहाँ पे यूएमटी एमटीके टूल, और सब करेंगे किसने कौन से लेटेस्ट वाले अपडेट आते रहते हैं, ठीक है सर इसका लिंक डाल देने ही। वो सपोर्ट एक्सेस काम नहीं कर रहा सही से, इसलिए छोड़ो उसको रहने दो। ठीक क्या लिखा है था अल्टीमेट एमटीके टूल, हाँ अरे कुछ भी लिख दो यूएमटी एमटीके टूल लिख दो तब भी आ जाएगा। पीछे इधर हो रहा डाउनलोड नहीं हो रहा तुम लोगों से, हो रहा है ना? फोर पॉइंट जीरो आ गया अभी तक इसका, बस यहाँ बस रुक जाओ भाई बहुत स्पीड से भाग रहे हो। 4.0 डाउनलोड करो, डाउनलोड लिंक डाल दो ग्रुप में, ये पेज कार्ड तो विज्ञापन का खुल रहा है, डाउनलोड होने लगा। कितनी बार बोले आईडीएम वगैरह इंस्टॉल कर लो, एफडीएम कर लो, कॉपी करो ये लिंक सर। हाँ बोलिए जी। अरे क्या उसी वाला डाउनलोड किया? ये है अल्टीमेट एमटीके टूल, लिंक मिल रहा है आपको, और हम तो चाहते हैं आप डाउनलोड करना खुद सीखें, ज्यादा बेहतरीन। जो अभी स्मार्ट कार्ड का आपने जो लिंक दिया है 64 बीट है या 32? सो इन फोल्डर देखो ये जिप फाइल में नहीं, इसको डायरेक्ट डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। करो इंस्टॉल, जैसे इंस्टॉल होगा वो आपके उस पे आ जाएगा। पंकज सर जी, अभी जो स्मार्ट कार्ड का रीडर ड्राइवर पे जाए लिंक ये 64 बिट है ना? स्मार्ट कार्ड ड्राइवर में क्या दिक्कत है? ये सर 64 बिट का डाउनलोड हो रहा है मेरे, ये फॉर्मेट होगा तो उसको स्टैक करना पड़ेगा, नहीं है तो आप डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल। ठीक है, मेरा तो 32 बिट है सर। ठीक है ठीक है, एमटीके हो गया इंस्टॉल। अब देखो एक बार दिखाओ स्क्रीन पे आया कि नहीं आया, इसको मिनिमाइज करो, स्क्रीन पे आ गया होगा, कहाँ आ गया? अल्टीमेट एमटीके आ तो गया। ये क्या क्या कर रहे हो इसको? अरे इसको कैंसिल करो यार, क्या है ये पता नहीं तुम क्या है। यस एमटीके वाला आ तो गया, नेक्स्ट क्या हो रहा है? अपने आप इंस्टॉल हो रहा है, फिनिश करो। ये अल्टीमेट एमटीके टूल दिखाया, क्लिक करो, ओपन करो इसको, यही ये आ गया थोड़े स्टाफ एमटीके। तुमने इसमें क्या कुछ और डाउनलोड फ्लिक्स सब डाउनलोड किया है? फिनिक्स सब ये आ रहा है, जो ये विंडो की प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखा है की तरह से हाला नहीं गया। अरे उससे क्या मतलब, ये ओड़ा हुआ देखो इसमें के अंदर कौन सी फाइल में .dll was not found, ये फाइल नहीं है। आप लोग कनेक्ट हुए नहीं हुए? अरे इसमें वहां के क्लास में फाइल डाउनलोड नहीं, विंडो चेंज करनी पड़ेगी। और क्या विंडो 10 पड़ेगी फिर से? हम का डाल देंगे, लड़के समय डालेंगे। लिंक डाला है उसको डाउनलोड नहीं हो रहा, स्टॉप शेयर पे क्लिक करो, आप लोग स्क्रीन शेयर करो, लिंक कट जाएगा, अभी लिंक कट के द्वारा लिंक मिल रहा है।